शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हमें हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हमने उस पत्र का जिक्र किया था जो शिवाजी ने जय सिंह को लिखा था, और आज हम इसके अंतिम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो है परिशिष्ट बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति, और यही इस पुस्तक का अंतिम एपिसोड भी है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। चैप्टर 7 के एपिसोड 43 में हमने ये पढ़ा था कि गोलवरकर जो है वो कांग्रेस की स्थापना से कितने दुखी थे और अंग्रेजों की चाल बताया गया था कांग्रेस की स्थापना को, जबकि M.S. अणे इसी पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं कि गोलवरकर ने अंग्रेजों को भी नहीं बख्शा, अंग्रेज जैसे न्यायप्रिय लोगों को भी इन्होंने बुरा भला कहा है अपनी इस पुस्तक में। और वहीं पर लाला लाजपत राय के जो विचार है ओ ह्यूम को लेकर, ओ ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे, उनके बारे में लाला जी के विचार जरा सुन लीजिए। लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा है कि वह एक स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता तथा दुर्दशा पर रोता था। तो इस बात में अब कोई भ्रम नहीं रह जाता कि ये बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति थे और एक सेंस ऑफ जस्टिस जो है वो ओ ह्यूम के अंदर था, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर अपनी ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इस देश में विपक्ष को खड़ा करने में सहायता करी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, और गोलवरकर किस तरीके से इनके बारे में लिख रहे हैं ये भी देखिए, उनके लिखे गए में कहीं कोई सिंक्रोनाइजेशन आपको नहीं दिखाई देगा। तो अब चर्चा को यहां से हम आगे लेकर चलते हैं, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। टॉपिक है परिशिष्ट बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति। आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं इसमें, वही मैंने आपको पढ़ के बताए थे। श्री ह्यूम ने स्वीकार किया कि कांग्रेस आंदोलन में कुछ जोखिम है और ये प्रयोग भारत में काफी नया है और परिस्थितियां पूरी तरीके से अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने इसकी भी विवेचना की कि अगर ये संभव होता तो वह खुद ही खुशी खुशी इस प्रोपेगेंडा को कुछ वर्ष के लिए टाल देते। लेकिन उन्होंने लिखा, अब ओ ह्यूम के शब्दों को आप सुनिए, अब कोई विकल्प नहीं बचा है। मैंने हमेशा इस बात को स्वीकार किया है कि कुछ प्रदेशों में और कुछ दृष्टिकोणों से यह आंदोलन अभी अपरिपक्व था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की संप्रभुता को कायम रखने के सबसे उपयोगी दृष्टिकोण से कांग्रेस की स्थापना के समय वास्तविक सवाल यह नहीं था कि वह अभी अपरिपक्व थी, बल्कि यह था कि क्या बहुत देर हो चुकी है, क्या देश इसे स्वीकार करेगा। हमारे अपने कारनामों से पैदा हुई बड़ी और लगातार बढ़ती जा रही ताकतों के लिए एक सुरक्षा कपाट अर्थात सेफ्टी वॉल्व की तुरंत आवश्यकता थी, और हमारे कांग्रेस आंदोलन से प्रभावी सुरक्षा कपाट शायद नहीं बनाए जा सकते। तो यहाँ पर एक फुटनोट है, उसको मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। विशेष जोर विद इन ब्रैकेट तिरछे अक्षर हमारा अर्थात गोलवरकर द्वारा, गोलवरकर ने इन शब्दों को कुछ स्पेशल तरीके से मेंशन किया है तिरछे अक्षरों में। विशेष जोर तिरछे अक्षर जैसा कि मूल पुस्तक में है, देश और यहाँ के लोगों को जानते हुए मैं उन्हें खूब जानता हूँ, म्यूटिनी और विद्रोह की ही तरह की, हालांकि उससे थोड़े छोटे स्तर की एक चीज से गुजर चुकने के बाद और खुद को इस बात के लिए मुतमईन कर लेने के बाद की सर्वहारा इत तत्कालीन स्थितियों के प्रमाण वास्तविक और विश्वसनीय है। मुझे उस वक्त भी और आज भी इस बात की लेश मात्र भी आशंका नहीं थी कि हम एक अत्यंत भयावह क्रांति के भयानक खतरे का सामना कर रहे थे। तो यहाँ पर गोलवरकर ने ये मेंशन नहीं किया है कि ये कौन से पेज नंबर से इन्होंने इस बात को उठाया है और कौन सी पुस्तक में इस चीज को लिखा गया है। वैसे तो पिछले चैप्टर 7 में उन्होंने लिखा था कि इनकी आत्मकथा आप पढ़ लीजिए, लेकिन कौन से पेज नंबर पे ये मेंशन किया गया है और किस संदर्भ में इस बात को कहा गया है ये भी गोलवरकर ने मेंशन नहीं किया है। तो इससे उनके इंटेंशन पर भी शक होता है मुझे कि अपने मतलब के हिसाब से उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब ये शब्द किसान विद्रोह के बारे में भी हो सकते हैं। 1857 के बाद जो है देश में राजनीतिक और सामाजिक हलचलें तेज हो गई थी और जगह जगह विद्रोह के फूटने की आशंका होने लगी थी, और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि हिंदू मुसलमान दंगे भी शुरू हो गए थे कई जगहों पर, तो हिंदुओं द्वारा मुसलमानों का कत्लेआम करने की गहरी साजिश भी हो सकता है इन शब्दों का मतलब। कई तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, लेकिन गोलवरकर ने इसे एज यूजुअल अपने फायदे के हिसाब से इंटरप्रेट किया है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप मेरे विचार से कितने सहमत या असहमत हैं। असहमतियों का भी स्वागत है।
अब गोलवर्कर का सुनिए, उस प्रमाण की प्रकृति क्या थी उसे उनके अपने शब्दों से बेहतर नहीं कहा जा सकता। अब दोबारा ओ ह्यूम के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वक्त जिस प्रमाण ने मुझे मुतमईन किया कि हम उस समय एक भयानक विद्रोह के कगार पर हैं, वह यह था, मुझे देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए 7 बड़े पोथे दिखाए गए जिसमें ढेर सारी प्रविष्टियां दर्ज थीं। देशी भाषाओं के कई तरह के छोटे बड़े संदेशों या रिपोर्टों के अंग्रेजी अनुवाद या सारांश सभी जिलावार तरीके से व्यवस्थित थे, हमारे यहाँ की तरह नहीं, बल्कि इसमें उप जिले, उप संभाग और शहर, कस्बे तथा गांव सम्मिलित थे। प्रविष्टियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उस समय बताया गया था कि ये 30,000 से अधिक संवाददाताओं की अलग अलग रिपोर्टें थी। मैंने उनको गिना नहीं, वे असंख्य लग रही थी। लेकिन उत्तर पश्चिम प्रांत के एक जिले से जिसकी मेरे पास बिल्कुल सटीक जानकारी थी और जो बिला शक देश का एक अशांत इलाका था, 300 प्रविष्टियां थी जिनमें से ज्यादातर को मैंने लोगों के नाम आदि से सत्यापित कर सकता था। वे अब गोलवर्कर क्या बोल रहे हैं, वे बताते हैं कि उनके पास ये पोथे बस लगभग एक हफ्ते भर रहे, उसमें से बस 6 पर उन्होंने ध्यान दिया। लेकिन उन्होंने उत्तर पश्चिम प्रांतों, अवध, बिहार, बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों और पंजाब के कुछ हिस्सों से संबंध रिपोर्टों का गौर से परीक्षण किया और जहां तक संभव था उन जिलों से संबंधित संदेशों को सत्यापित किया जिसके बारे में उन्हें विशेष व्यक्तिगत ज्ञान था। तो ये वो इलाके थे जो खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े आदर्श इलाके रहे हैं हर युग में। तो वहां पर जो है जगह जगह किसान आंदोलन फूटा करता था, आदिवासी आंदोलन भी यहां पर बहुत ज्यादा हुए हैं इन इलाकों में, उत्तर पश्चिम पट्टी में। तो उन सब के बारे में भी इस चीज का जिक्र हो सकता है कि किस तरीके से, और ये विद्रोह जो है वो जमींदारों के खिलाफ भी हो सकते हैं। चौरी चौरा विद्रोह को लेकर सुभाष चंद्र कुशवाहा जी ने कई वॉल्यूम में पुस्तकें जो है वो निकाली हैं और उस पुस्तक का जो है अंबेडकर नामा पर खास विमर्श के दौरान बहुत सारे एपिसोड शूट किए गए हैं सुभाष चंद्र कुशवाहा जी के साथ, और उसमें इस बात को स्पेशल मेंशन दिया गया है कि ये सारे विद्रोह जो थे वो गरीब किसानों के जो है जमींदारों के खिलाफ थे, और उस जमींदारों में हिंदू मुसलमान दोनों ही थे, और किसानों में मरने वालों में हिंदू मुसलमान अस्पृश्य सभी लोग शामिल थे उस वक्त भी। तो गोलवर्कर ने सिर्फ अपना फायदा देखा है और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी बातें जो है ओ ह्यूम ने जो सामाजिक विद्रोह फूटने की आशंका को लेकर लिखे गए थे या कत्लेआम की आशंका से घबरा कर लिखे होंगे ये सारे ब्यौरे। अब आगे सुनिए, रिपोर्टों का गौर से निरीक्षण किया है, जहां तक संभव था उन जिलों से संबंधित संदेशों को सत्यापित किया है जिसके बारे में उन्हें विशेष व्यक्तिगत ज्ञान था। तमाम प्रविष्टियां ने निचली श्रेणी के लोगों के बीच हुए संवादों की रिपोर्टें दी थी, मतलब गरीब जनता जो है वो त्राही मानती, जमींदारों के रहमो करम पर उन्हें छोड़ दिया गया था, और शायद उन्होंने ही रिक्वेस्ट करी होगी कि हमारी हालत पर आप गौर फरमाएं वरना हम विद्रोह कर देंगे। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है, ये सब दिखा रही थी कि इन गरीब लोगों, ये ओ ह्यूम के शब्द हैं, ये सब दिखा रही थी कि इन गरीब लोगों में वर्तमान परिस्थितियों से एक नाउम्मीदी का भाव व्याप्त हो गया है। वे कुछ करना चाहते हैं, वे कुछ करने वाले हैं और एक दूसरे के साथ खड़े हो गए हैं, तथा इस कुछ का मतलब हिंसात्मक है। तो अगेन ये सारी संबंधित रिपोर्टें या संबंधित जानकारी जो है वो किसान आंदोलन को लेकर भी हो सकती है, हिंदू मुसलमान दंगों को लेकर भी हो सकती है। आगे सुनिए, क्योंकि तमाम प्रविष्टियां पुरानी तलवारों, भालों और मशालों का जिक्र कर रही थीं, जो जरूरत पड़ने पर तैयार होंगी। जाहिर से बात है किसानों ने कभी भी विद्रोह करते वक्त मार काट नहीं मचाई है, बहुत कम जगहों पर है कि वो मजबूर हो गए हैं सिस्टम के खिलाफ हथियार उठाने में, लेकिन यहां पर पुराने भाले, तलवार, बर्छी, कटारों के बारे में जिक्र हो रहा है, और ये जिक्र जो है वो ज्यादातर हिंदुत्व के लेखन के लिए इस्तेमाल होते हैं ये सारी बातें। ऐसा नहीं था कि इसका फौरी परिणाम हमारी सरकार के खिलाफ एक विद्रोह होता, या फिर उस समय के सही अर्थ में यह विद्रोह होता ही,
जिस बात का अंदेशा था वह ये थे कि अचानक यहां वहां आपराधिक हिंसा फूट पड़ेगी, यहां वहां आपराधिक हिंसा फूट पड़ेगी, और इसका सीधा मतलब जो है वो सामाजिक विद्रोह से कहीं ज्यादा आपस में हिंदू मुसलमान या दूसरे वर्गों के बीच में हिंसा की बात हो रही है। आधी पेट गुजर करने वाले सबसे निचली श्रेणी के लोगों की तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसा माना गया कि पहले कुछ अपराध सैकड़ों दूसरे अपराधों के लिए इशारा होंगे और गैर कानूनी वारदातों में आम तौर पर बढ़ोतरी आ जाएगी, जिससे सम्माननीय वर्गों के लोग और प्रशासनिक अधिकारी पंगु हो जाएंगे। सम्माननीय वर्गों के लोग, सवर्ण लोग, जमींदार वर्ग, यही लोग इसमें आते हैं, राजे महाराजे, नवाब, उनके खिलाफ आम जनता जो है वो विद्रोह कर देगी यदि जल्दी कुछ ना किया गया। तो इसे आप उसी तरीके से समझने की कोशिश करिए, गोलवरकर ने तो इसे अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल किया है और कहा है कि ऐसे माइंडसेट के लोगों ने जो है वो कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। और सुनिए आगे, यह भी विचार किया गया कि छोटे गिरोह पत्ते पर पड़ी पानी की बूंदों की तरह आपस में मिलकर निश्चित रूप से बड़े गिरोहों में तब्दील हो जाएंगे। वो दोहा भी है ना कि बूंद बूंद सो घट भरे और टपकत रीतो होए, बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है तो बूंद बूंद टपकने से वो खाली भी हो सकता है, और देश के सारे दुष्चरित्र उसमें शामिल हो जाएंगे और जल्दी ही ये सब गिरोह शक्तिशाली बन जाएंगे जो पढ़े लिखे लोगों का एक छोटा सा हिस्सा जो शायद बिना किसी वजह से सरकार के प्रति कटु है वे भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएगा और यहां वहां इसका नेतृत्व करता बन जाएगा तथा इस विस्फोट को एकजुट कर इसे राष्ट्रीय विद्रोह में तब्दील कर देगा। पॉइंट टू बी नोटेड, पढ़ा लिखा तबका जो सरकार से बैर रखता है या सरकार का कटु आलोचक है, और ये हिंदुत्ववादी ही जो है ये सरकार के कटु आलोचक थे, इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना था। और गोलवरकर ने साफ तौर पर सब जगह मेंशन किया है कि कांग्रेस के नेताओं से उन्हें बड़ा चिढ़ थी, इसीलिए कांग्रेस में इनकी चल नहीं रही थी, इसलिए इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अलग से RSS का स्थापना करनी पड़ी। इस तरह की विशिष्ट चेतावनियां श्री ह्यूम को मिली थी। पूरे भारत में दिक्कतों की भविष्यवाणी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में दक्कन दंगों के नाम से जाने जाने वाले खेतीहर उभार की वास्तविक घटना के बिल्कुल अनुकूल थी। ये छिटपुट संगठित डकैतियां और साहूकारों पर हमले से शुरू हुई और तब तक बढ़ती रही जब तक डकैतों के गिरोह आपस में मिलकर इतने मजबूत नहीं हो गए कि पुलिस पर भारी पड़ने लगे और पूना की सारी सैन्य शक्ति को पैदल घुड़सवारों तथा तोप खाने के साथ उनके खिलाफ तैनात करना पड़ा। पश्चिमी घाट के जंगली रास्तों पर भटकते हुए ये गिरोह सैन्य शक्ति की उपस्थिति में बिखर गए, लेकिन तुरंत ही एक सुविधाजनक समय पर ये फिर एक हो गए और माथेरान तथा महाबलेश्वर की पहाड़ियों में रात में हम सभी दिशाओं में उनके कैंपों में जलती आग की रोशनी देख सकते थे। तो ये समय जो था वो बिरसा मुंडा का भी समय था और आदिवासी विद्रोह का भी समय था। अधिक पढ़े लिखे वर्ग से एक नेता हमें मिला जो खुद को शिवाजी द्वितीय कहता था। अब महाराष्ट्र के साथी मुझे बताएंगे या आप लोगों में से किसी को भी जानकारी हो कि वे कौन से नेता थे जो खुद को शिवाजी सेकंड बुलाया करते थे, जिसने सरकार को चुनौती दी और महामहिम सर रिचर्ड टेंपल विदिन ब्रैकेट बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर के सर पर 500 रुपयों का इनाम रखा। उसने जिन आधारों पर मराठा शक्ति की नींव रखी गई थी उन्हीं के अनुसार एक राष्ट्रीय विद्रोह के नेतृत्व का दावा किया। विदिन ब्रैकेट सर विलियम वेडरबर्न द्वारा लिखित लाइफ ऑफ ओ ह्यूम का पृष्ठ 77 और 82 में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। ओ ह्यूम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद नहीं लिखी है, उनके बिहाफ में उनके एक सहयोगी फेलो ने इस चीज को लिखा है, सॉरी सहयोगी ने लिखा है, और इसीलिए इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं
उन्हें पुख्ता तरीके से हो सकता है नहीं भी पता होंगी, ओ ह्यूम यदि इन सब चीजों को लिखते तो वह उसको अलग पर्सपेक्टिव से भी लिखते और ज्यादा स्पष्ट तरीके से लिखते। तो इसलिए इस बात पे बहुत ज्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते। और वैसे भी लाला लाजपत राय ने और एम एस अणे ने दोनों ने ही जो है वो ओ ह्यूम की भूरी भूरी प्रशंसा करी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिचर्ड टेम्पल कौन थे, इन्हें तो ऐसे हर अंग्रेज अधिकारी से दिक्कत थी जो गरीबों के लिए सोचता था। रिचर्ड टेम्पल जो थे वो बंगाल प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्हें जब बनाया गया 1874 में, तो उस समय जो अकाल पड़ा था बंगाल में उसमें उन्होंने भरपूर काम किया और ब्रिटिश बर्मा गवर्नमेंट जो थी उससे 5 लाख टन चावल जो है उन्होंने एक्सपोर्ट किए गरीब जनता में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और इस डिस्ट्रीब्यूशन में मंदिरों ने रोड़ा अटकाने की कोशिश करी थी, तो तब इन्हीं रिचर्ड टेम्पल ने मंदिरों को फटकार मारी थी कि बाजार के काम में दखल देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए इनकी चिड़ जो है रिचर्ड टेम्पल से भी पता चलती है कि मंदिर को फटकार मार दिया कांग्रेस ने, ये कैसे संभव है। और जब ये मद्रास प्रेसिडेंसी में गवर्नर बनकर गए और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इनका ट्रांसफर हुआ, इन सब जगहों पर जब ये गए तो वहां के मंदिरों ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने का बेहतरीन मौका ढूंढा इनके गवर्नर बनने के नाम पर। तो इन सब चीजों के ऊपर आप जरूर सर्च कीजिएगा। और ओ ह्यूम के बारे में गोलवर्कर ने जो कहा है, मैं आपको उनकी भी छोटी सी जानकारी जो है वो आपसे साझा कर लूं। भारत में पक्षी विज्ञान के जनक जो है वो ओ ह्यूम ही कहे जाते हैं। वे एक पक्षी विज्ञानी थे, एक वनस्पति विज्ञानी थे, यहाँ के सिविल सेवा अधिकारी थे। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी चीजें, यहाँ पर कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भी थे और आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए इन्होंने भरपूर काम किया है। जाहिर सी बात है ये आम जन कौन थे, यहाँ की गरीब शोषित दमित जनता ही थी। और इसीलिए इन हिंदुत्ववादी लोगों को इनसे बड़ा खासा बैर था कि आम जनता के रिलीफ के लिए काम क्यों करते हैं, क्यों नहीं ये सिर्फ सवर्णों के लिए काम करते हैं। और टेम्पल ने तो हद कर दी, टेम्पल वालों को ही जो है लताड़ बता दी। तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। मैंने जो भी कुछ कहा है आप उसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं, अलग अलग बुक्स में इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं जाकर। जैसे ही आप गूगल सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी लिस्ट खुल जाएगी इन लोगों का ब्यौरा जहां पर मेंशन किया गया है, वहां से इसको ले सकते हैं। तो इसी के साथ ये पुस्तक समाप्त होती है। 2-4 दिन का समय दीजिए, उसके बाद अन्य पुस्तक के ऊपर चर्चा शुरू करूंगी। अब मुझे आगे दीजिए और अगली पुस्तक तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद। जय भीम।